Good morning class, this is our new Anna Physio class in which today we will study about the second topic of anatomy and physiology of female reproductive system, that is internal genitalia. Internal genital organs अपन पढ़ेंगे क्योंकि अपन ने अपनी last class में external genital organs complete कर लिए थे. अब internal genital organs, हालांकि इस class में सारे के सारे organs तो अपन नहीं पढ़ सकते क्योंकि काफ़ी बड़े हैं ये organs, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ होता है तो डिस्क्रिप्शन का ज़्यादा रहता है, तो अपन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे इसको. तो सबसे पहले इंटरनल जेनिटल ऑर्गन जो है वो है वेजाइना. फर्स्ट यही है, जहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटल जहाँ खुल रहा है उसको अपन वेजाइना कहते हैं. इसको अपन बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि इसी के थ्रू जो यही जो है वेजाइना ही बर्थ कैनाल बनाते हैं, यानी बेबी के लिए. या वर्ड बेबी यूज़ ना करें, फीटस यूज़ करें. तो फीटल पैसेज वे बनाते हैं जहाँ से फीटस पास होता हुआ बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, तो इसको अपन बर्थ कैनाल भी कहते हैं. ये एक ट्यूब लाइक मस्क्यूलर इलास्टिक ऑर्गन होता है. इलास्टिक ऑर्गन होता तभी तो ये डायलेट होता और इसमें से बच्चा पास होता है. अगर नैरो होता और इलास्टिक ना होता, रिजिड होता, तो कहाँ से वो बच्चा, इतना बड़ा बच्चा बाहर निकल पाता. तो ये मस्क्यूलर इलास्टिक ऑर्गन होता है, ट्यूब जैसा दिखाई देता है पर इलास्टिक होता है, इसलिए ये अच्छे से डायलेट एक्सपैंड हो जाता है. 4 से 5 इंच लंबा होता है ये एडल्ट वुमेन के अंदर. पीएच होती है इसकी 4, यानी एसिडिक पीएच होती है वजाइना की. सबको पता ही है ये तो एसिडिक पीएच होती है वजाइना की. ये एग तक स्पर्म को पहुंचने के लिए भी पैसेज वे देता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए भी पैसेज वे प्रदान करता है. ऊपर तो हमने कहा बर्थ कैनाल यानी फीटस के पास के लिए, इसके अलावा स्पर्म के लिए भी पैसेज वे बनाता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए भी ये पैसेज वे बनाता है. स्पर्म इसी रास्ते से होता हुआ एग तक पहुंचता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी जो है वो इसी रास्ते से ब्लीड जो है वो एक्सटर्नली निकलता है मेंसेस के दौरान पर मंथ. इसके अलावा ये कॉपुलेशन का ऑर्गन भी है और पार्चुरेशन के लिए बर्थ कैनाल भी बनाता है. पार्चुरेशन जिसमें बच्चे की डिलीवरी अपन पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए बर्थ कैनाल भी ये वेजाइना ही जो है वो बनाता है. तो देखिए हम लोग जो है एनाफिजियो पढ़ रहे हैं भाई. जितने भी ऑर्गन्स अपन या जितने भी पार्ट्स अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे उसकी एन और फिजियो दोनों पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर अभी क्या चल रही है, फिजियो चल रही है, फंक्शंस पढ़ रहे हैं अपन वेजाइना के. और ऊपर अपन ने 2 लाइंस के अंदर इसकी स्ट्रक्चर, 3 लाइंस के अंदर इसके स्ट्रक्चरल पार्ट को पढ़ा और बाकी अपन ने 2 लाइंस में इसकी फिजियोलॉजी को भी अपन ने पढ़ा. तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों साथ साथ चल रही है, अलग से नहीं मैं बता रही हूँ, ये सुन लीजिएगा आप ध्यान से. ये वेजाइना का स्ट्रक्चर तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है भाई, होमवर्क है ही आपका, लेबलिंग करनी है आपको. मैंने अपनी काफ़ी क्लासेस में आपको असाइनमेंट दिया नहीं है तो इसके अच्छे से लेबलिंग करिए और इसको याद करिए. रट्टा बीमारी है तो, और लेबलिंग करके आपको मुझे भेजना है. पहले आप अपने सीआर को भेज दीजिए, फिर मेरे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट. तो अच्छे से वेल लेबल डायग्राम अपने हाथों से बना करके मुझे देंगे. स्ट्रक्चर देखिए भाई वेजाइना की. वेजाइना की अपन ने पढ़ी थी, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ाई थी कि ये एसिमेट्रिकल होती है क्योंकि इसकी एंटेल वॉल तो 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है जबकि इसकी पोस्टर वॉल 10 सेंटीमीटर लंबी होती है. जनरली स्ट्रक्चर जो भी होती हैं उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल जो होती है एक ही साइज़ की होती है, पर इसमें ये डिफरेंस पाया जा रहा होता है कि एंटीरियर वॉल होती है 7.5 सेंटीमीटर लंबी और पोस्टीरियर वॉल होती है वेजाइना की 10 सेंटीमीटर लंबी, यानी पोस्टीरियर वॉल लंबी होती है. वेजाइना का अपर एंड जो है उसको आप वॉल्ट कहते हैं. ये पिंक अपीयरेंस की दिखाई दे रही होती है. ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को यूट्रस से जोड़ने का काम भी करती है. वेजाइना के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को यूट्रस से जोड़ती है और विमेन में सेक्सुअल इंटरकोर्स का ऑर्गन होती है. वेजाइना विमेन में सेक्सुअल इंटरकोर्स का ऑर्गन है. अब वेजाइना के फॉर्निक्स देखिए. ये वेजाइना के टॉप पर पाए जा रहे होते हैं. यूटेराइन सर्विक्स के प्रोजेक्शन की वजह से बनते हैं. यूटेराइन सर्विक्स के प्रोजेक्शन से वेजाइना के टॉप पार्ट जो है ये वेजाइना फॉर्निक्स है. 4 फॉर्निक्स यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, 1 एंटीरियर, 1 पोस्टीरियर और 2 लेटरल. एंटीरियर फॉर्निक्स जो है वो सर्विक्स का फ्रंट बनाता है,
या सर्विक्स के फ्रंट में पाया जा रहा होता है, पोस्टर सर्विक्स के पीछे, और ऑब्वियस है टू लेटरल सर्विक्स के दोनों साइड में पाए जा रहे होते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर्स है जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस में नहीं पढ़ाई थी, ना एक्सटर्नल जेनिटल वाली स्ट्रक्चर्स पढ़ाई थी, ना इंटरनल जेनिटल की पढ़ाई थी, इसलिए अपन ये वाली चीज़ें डिटेल में पढ़ रहे हैं। जहाँ जो पार्ट्स वहाँ पे रह गया था, जो स्ट्रक्चर रह गई थी, वो यहाँ इन क्लासेस में अपन पढ़ लें। तो इनको भी आपको याद करके लिखना है, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो वो जो पहले अपन ने क्लास में पढ़ा था उतना सा शॉर्ट नोट नहीं लिख सकते अपन। वजैना पे शॉर्ट नोट आ गया तो उतना सा अपन आंसर नहीं लिख सकते, ये सारी चीज़ें अपन को लिखनी है। अब वजैना का रिलेशन देखिए, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल सुपीरियर इन्फीरियर, इसका रिलेशन देखिए। तो एंटीरियरली वजैना जो है, लाई द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा विच आर क्लोजली कनेक्टेड टू द एंटीरियर वजैनल वॉल। तो लाइन समझ में आ रही है, ब्लैडर और यूरेथ्रा जो होता है वो एंटीरियर वजाइनल वॉल से एकदम क्लोजली कनेक्टेड रहता है, जबकि वजाइना के पोस्टर पार्ट में क्या है, पाउच है, डगलस पाउच, पाउच ऑफ डगलस, जो कि रेक्टम और पेरिटोनियल बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये वजाइना के पोस्टर वॉल का 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है। लेटरली अपर 2/3 पार्ट जो है वो पैल्विक फेशिया और यूट्रस यूरेटर, पैल्विक फेशिया और यूरेटर बनाता है, जो कि सर्विक्स के बिसाइड ये पास होते हुए स्ट्रक्चर है। वजाइना का सुपीरियर यूट्रस में और इन्फीरियर पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लाई करता है, यानी सुपीरियर पार्ट यूट्रस से जुड़ा होता है और वजाइना का इन्फीरियर पार्ट जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया से जुड़ा होता है। तो ये सारे वजाइना के आगे पीछे लेटरल ऊपर और नीचे की स्ट्रक्चर के कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें वजाइना से जुड़ी हुई हैं। अब ब्लड सप्लाई देख लीजिए, तो यूटेराइन आर्टरी की सर्वाइको वजाइनल ब्रांच और इंटरनल इलियक डिवीज़न की वजाइनल आर्टरी, एंटीरियर डिवीज़न जो इंटरनल इलियक का एंटीरियर डिवीज़न है उसकी वजाइनल आर्टरी और यूटेराइन आर्टरी की सर्वाइको वजाइनल ब्रांच इसको सप्लाई करती है। इसके अलावा इंटरनल पेडेंडल इसको सप्लाई कर रही है। वेन्स में इंटरनल इलियक वेन और इंटरनल पेडेंडल वेन में इसका वीनस ड्रेनेज देखने को मिल रहा होता है। लिम्फैटिक में इंटरनल इलियक ग्रुप और सुपरफिशियल इंग्विनल ग्रुप इसमें आता है। नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, जो कि पैल्विक प्लेक्सस से निकल रहे होते हैं, वो इसमें सप्लाई कर रहे होते हैं। और इसका लोअर पार्ट जो है वो पेडेंडल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है। वजाइना का लोअर पार्ट पेडेंडल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है और बाकी में सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्व जो कि पैल्विक प्लेक्सस से आते हैं। बस इसके साथ में वजाइना जो कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का फर्स्ट पार्ट है वो हमने कर लिया। इसके बाद अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर यूट्रस वगैरह रिमेनिंग पोर्शंस भी पढ़ेंगे, पर सेकंड क्लास में यूट्रस ही चलेगा, यूट्रस काफ़ी बड़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यूट्रस पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी।